हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वान और मैं हूँ 8 साल का। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो बनाया था कि इंडिया का जो 5.9 मिलियन टन का जो लिथियम वाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले उस वाइट गोल्ड से इंडिया को क्या फायदे होने वाले। चलिए आते हैं आज के वीडियो में। तो पहली चीज, लिथियम होता क्या है? लिथियम मतलब होता है कि वो एक तरह का ऐसा कंप्लीट एक ऐसी मतलब चीज़ होती है, जैसे कि अगर आपको आपके फ़ोन में सेमीकंडक्टर डलता है तो वैसे ही जो है एक चीज़ होती है लिथियम। लिथियम हर बैटरी हर चीज़ में लगती है। जिससे आप मुझे देख रहे हो, जिस फ़ोन से आप देख रहे हो मुझे, वो भी जो है उसमें भी लिथियम डाला हुआ है। जिससे आप देख रहे हो, जिससे मैंने शूट करा है या जिसको आप भेजोगे, वो भी जो है उसमें भी लिथियम है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो कि लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, टैब हो गया, या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से काम करती है चीज़, अब आजकल की जो ईवी इलेक्ट्रिक है वो भी जो है, ईवी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो भी जो है अभी लिथियम पे काम करती है दोस्तों। सो लिथियम जो है इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो 20s के अंदर जो है ऑयल जिसके पास है वो किंग है, और अभी जिसके पास लिथियम है वो किंग है दोस्तों इंडिया का जो है एक साथ इतना सारा भंडार मिल गया, जिससे कि दोस्तों इंडिया जो है अपनी पूरी जो है से पूरी अच्छी तरह जो है इलेक्ट्रिक ईवी कार्स या फिर मोबाइल्स या फिर खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। जिससे कि हमें जो है ट्रायंगल देश कौन से बाद में बताऊँगा, तो उनसे खरीदना ना पड़े लिथियम। तो दोस्तों, ये जो आत्मनिर्भर भारत का एक और जो है अच्छा हो गया। तो ये आपने समझ लिया लिथियम मतलब क्या होता है, और लिथियम जरूरी क्यों है। लिथियम जरूरी इसलिए क्योंकि दोस्तों जो है जो भी देश है जिसको कि सुपर पावर बनना है, वर्ल्ड में सबसे अच्छा बनना है, तो दोस्तों जैसे कि आप चाइना को देखो, तो चाइना में क्या है, चाइना में लिथियम नहीं है, पर वो क्या करता है, लिथियम ले लेता है। मतलब कि इन ट्रायंगल देशों की बात करें तो चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना के बीच में जो जगह आती है उसको बोलते ट्रायंगल लिथियम। तो दोस्तों उधर से जो है उधर के लोगों के पास, आप सोच रहे होंगे अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना है तो पाकिस्तान से भी जो नीचे स्तर पर उसकी इकोनॉमी है, तो उसके पास लिथियम है फिर भी वो ग्रो क्यों नहीं आ रहा। तो क्योंकि जो है उनके पास बनाने की मतलब लिथियम को रिफाइन करने की जो है टेक्नोलॉजी नहीं, जिस वजह से वो लिथियम जो है उनके लिए बस गोल्ड ही बनकर रह गया। वो गोल्ड को बेच नहीं सकते, गोल्ड को ला नहीं सकते, क्योंकि जो लिथियम जो है जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड जमीन के अंदर रहता है, वैसे ही जो है वो लिथियम जो है जमीन के अंदर मिलता है, तो उसको रिफाइन भी करना होता है, उससे सेल्स बनाते हैं। और अगर कुछ भी गलत चीज़ हो गई, कुछ भी मिट्टी वगैरह आ गई, तो आपका लिथियम बैटरी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा जो है रिफाइनरी चाहिए होती है, जो कि चाइना के पास 70% जो है लिथियम रिफाइनरीज जो पूरे वर्ल्ड में चाइना के पास है, जिस वजह से चाइना बहुत बड़ा हब बन जाता है। और अगर ये इंडिया में हो गया, अगर इंडिया में रिफाइनरीज भी बन गई, लिथियम मिल गया, तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है। क्योंकि चाइना ही एक चीज़ से इतना अमीर बन गया, तो हम दोनों चीज़ से इतना अमीर क्यों नहीं बन सकते। सभी हम लोग जानते हैं कि लिथियम जो है, लिथियम के कौन से इम्पोर्टेंस है, वो कौन से देशों में जाता है, कौन से देश जो है इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों जो है जैसे कि मैंने आपको बता दिया ट्रायंगल देश, और दोस्तों इसमें जो है धीरे धीरे पकड़ बनाना है इलेक्ट्रिक के अंदर, लिथियम के अंदर जो है चाइना पर। दोस्तों चाइना के पास जो है 4.5 मिलियन टन जो है लिथियम है, पर इंडिया के पास उससे जो है ज़्यादा है, मतलब 1.4 मिलियन जो है परसेंट जो है ज़्यादा है हमारा, किससे लिथियम ज़्यादा है चाइना, जिस वजह से इंडिया को फायदा होगा। और दोस्तों ये जो देश है जो मतलब अगर हमें अमेरिका अगर हमें सुपर पावर बनना है दोस्तों, तो हमें अमेरिका और चाइना को भी जो है बीट करके फोकस करना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमने अमेरिका को और चाइना को देखा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो है सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर के मामले में और लिथियम के मामले में, और चाइना भी सबसे बड़ा है। दोस्तों जो है इंडिया थर्ड नंबर पर आता है उस चीज़ में। दोस्तों इंडिया को अगर और बढ़ाना है, तो इंडिया को दो चीज़ें और बढ़ानी पड़ेगी। दो चीज़ें हैं कि पहली चीज़ है कि लिथियम रिफाइनरीज बनानी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ है
लिथियम की जो रिफाइनरीज में जो एम्प्लॉयज हो गए उनको स्किल्ड एम्प्लॉयज होने चाहिए, जिस वजह से कि इंडिया भी उस पर काम भी कर रही है, स्किल्ड एम्प्लॉयज जो उसको बनाने में भी काम कर रही है। इसके एक एक चीज़ के बारे में, एक सेक्टर के बारे में जो उस एम्प्लॉय को अच्छा लगता है उसके बारे में वो पूरा स्किल देगी जो है गवर्नमेंट, वो सब भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा लिथियम इंडस्ट्री को। और दोस्तों लिथियम इंडस्ट्री जो अभी $70 बिलियन की, और उस पर जो 70% जो कब्जा है वो है चाइना का दोस्तों। और ये बाद में जाकर जो अनुमान में लगाया जा रहा है कि ये 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन या 100 ट्रिलियन तक भी ये जा सकती है 2050 या 2070 तक दोस्तों। जिस वजह से जो इसकी ग्रोथ जो डबल से भी डबल है दोस्तों, जिस वजह से जो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इंडिया को दोस्तों। चलिए देखना ही बाकी है कि इंडिया क्या मूव्स लेगा इसके ऊपर। और अगर दोस्तों अगर इंडिया को और फायदा लेना है तो इंडिया जो है बाकी देशों को बेच भी सकता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों। जैसे कि USA भी करता है और जो है अर्जेंटीना भी करता है, पर दोस्तों उनके पास रिफाइनरी नहीं है जिस वजह से वो पूरा लिथियम बेच नहीं सकते। पर हमारे पास रिफाइनरीज आ गई और हमने पूरा लिथियम बेचा तो दोस्तों जो है इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और ईवी जो है ईवी चीज़ों में भी जो है इंडिया आगे निकल सकता बाकी देशों। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।